आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और पिछले जो हमारा पिछला सेशन था, पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हमने बात किए थे दीपक दहिया 2.0 के बारे में। हम बता रहे थे कि उसका थंबनेल भी बहुत अच्छा होता है, उसका रिएक्शन भी वीडियो में अच्छा होता है और थंबनेल में भी रिएक्शन बहुत ही अच्छा होता है। अब आगे हम चलेंगे चलेंगे देखेंगे जुन्नू की टेक। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चैनल हमने भी लिया है पे जुन्नू की टेक, जो कि YouTube से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। जितने भी हमने यूट्यूबर का यहाँ पे चैनल भी लिए हैं, तो उन सभी जितने भी यूट्यूबर हैं वो सभी यूट्यूब के बारे में बताते हैं। जैसे जुन्नू की टैग हो गया, दीपक दहिया 2.0 भी वही उसी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। कैसे अपना चैनल ग्रो करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से आपके चैनल में सक्सेस मिलेगा। और इसके बाद मनोज दे का वीडियो आपको उसी टॉपिक पे मिलेगा। और फिर यहाँ पे माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर का भी उसी टॉपिक पे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और टेक्निकल योगी सर का भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे उसी टॉपिक पे। तो हमने थंबनेल के बारे में चर्चा की थी पहले वीडियो में। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसके चैनल पे हम यहाँ पे इंटर करेंगे और हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट लेंगे, क्योंकि जो वीडियो हमारा होता है वो 5 मिनट का होता है। 5 मिनट में ही जो भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, 5 मिनट में ही आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैनर भी अच्छा खासा बैनर बना हुआ है। और इसके चैनल पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हैं कि थंबनेल है, लेकिन उतना भी हमें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है जैसे कि हम इसके वीडियो में क्लिक करके हम वॉच करें। ठीक है, बना हुआ है, सब ठीक बना हुआ है, जितना भी बना हुआ है इसका थंबनेल वो ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं बोला जा सकता है, ठीक बोला जा सकता है, सिर्फ ठीक बोला जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर का चैनल पे, और जब यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका चैनल पे हम देखेंगे, एक नजर डालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका यहाँ पे लगा हुआ है, ट्रेलर भी लगा हुआ है इसके चैनल पे। और इसके बाद जब नीचे हम आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं इसका शॉर्ट वीडियो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेटिंग जो है जो कि अभी तक माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर ने नहीं किया है। क्योंकि पॉपुलर वीडियो होता है, जो भी अपलोड वीडियो होते हैं, शॉर्ट वीडियो जो होते हैं, यहाँ पे सारा कुछ सेटिंग किया जाता है आपके चैनल के जो भी होम पेज होता है उसमें। यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल सेटिंग करके नहीं रखे हैं। तो धर्मेंद्र सर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अभी इस चीज पे पीछे हैं। और इसके बाद आते हैं मनोज दे के चैनल पे, जैसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैनर कितना लाजवाब है, बहुत ही अच्छा लाजवाब है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर में जो ये सेट करके रखे हैं, यहाँ पे देखिए अपलोडेड वीडियो दिखाई दे रहा है फर्स्ट में। और इसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ पे पॉपुलर वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद क्रिएट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके नीचे जब हम यहाँ पे आते हैं तो मनोज देव ब्लॉग का चैनल भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद नीचे में आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ है मनोज देव का चैनल का, जो भी आपके सामने होम पेज में आएंगे। और थंबनेल की बात करें तो जितना भी कम तारीफ किया जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि इसका का कलर, जो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है। जितना भी टेक्स्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब, पूरा उभरा हुआ टेक्स्ट दिखाई देते हैं। और थंबनेल का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहता है उसका, जितना भी आप देख सकते हैं, जितना भी उसका चेहरे का PNG लगा हुआ है बिल्कुल सही से सेट किया हुआ है। यानी कि अगर थंबनेल में किसी को पॉइंट में दिया जाए तो इसको 10 में 10 मिलेगा मनोज देवाई को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं थंबनेल बनाने में। इसके बाद वीडियो भी बहुत ही अच्छा होता है। और फिर हम आगे चलेंगे यहाँ पे दीपक दहिया 2.0, जो कि दीपक दहिया एक मोटिवेशनल चैनल है और उसी का ये दूसरा चैनल लेकर के आया है दीपक दहिया 2.0। और ये यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते हैं और दीपक दहिया में वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, जिसके कारण इसका आवाज बहुत ही अच्छा लगता है, सुरीला आवाज होता है, लाजवाब आवाज होता है। इसके चैनल पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आवाज भी देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, इसके वीडियो में अच्छा एडिटिंग देखने को मिलते हैं। और इसके थंबनेल में भी बहुत ही जबरदस्त थंबनेल देखने को मिलते हैं, रिएक्शन भी अच्छा होता है इसका वीडियो में और थंबनेल में भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग करके रखे हैं अपलोड वीडियो। और इसके बाद जब नीचे आते हैं पॉपुलर वीडियोज आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये नॉर्मल सेटिंग होते हैं जो कि सभी यूट्यूबर लोग करके रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर चैनल इसका दीपक दहिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि 3.35 मिलियन सब्सक्राइबर्स यहाँ पे अचीव कर रखे हैं दीपक दहिया चैनल पे, क्योंकि एक मोटिवेशनल वीडियो रिलेटेड यहाँ पे इस चैनल पे डालते हैं, और जिसके कारण इसके चैनल पे इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बहुत दिनों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। और आज के समय में आप देख सकते हैं दीपक दहिया 2.0 में भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स बेस बना चुके हैं। अब आगे चलते हैं जुन्नू की टैग। यहाँ पे जुन्नू की टैग में देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसका यहाँ पे बैनर सबसे पहले देखने को मिलता है। बैनर यहाँ पे अच्छा खासा कुछ देखने को नहीं मिलते हैं बैनर में, जो भी है लेकिन ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पहले यहाँ पे ट्रेलर लगा हुआ है और इसके बाद ब्लॉग चैनल का यहाँ पे अपने
दे रखा है, आप ये देख सकते हैं, मेंशन करके रखे हैं। और इसके बाद जब नीचे यहाँ पे आते हैं तो अपलोड वीडियो हमको देखने को मिल जाती है।